तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो काफी रोचक भरा है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। पक्षी नाम सुनते ही एक ऐसा प्राणी हमारे जहन में आता है जो आसमान की ऊंचाइयां नाप रहे हो। उड़ान पक्षियों का विशिष्ट गुण है, लेकिन हर पक्षी एक जैसा नहीं उड़ता। उनकी उड़ने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कई बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं, तो कई ऐसे होते हैं कि उड़ने में भी सक्षम ना हो। इस वीडियो में अब विश्व के उन पक्षियों के बारे में जानेंगे जो सबसे ऊंची उड़ान भर सकते हैं। आइए जानते हैं दुनिया के 5 सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षियों के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे जो पक्षी आता है उसका नाम है रुपेल्स वल्चर। ये दुनिया के सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षी है। यह एक शिकारी पक्षी है जो समुद्र तल से 11,300 मीटर यानी 37,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यंत कम होती है, लेकिन इसके बावजूद यह पक्षी बड़े ही आसानी से उड़ान भर सकता है। इसका कारण है इसके शरीर में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का हीमोग्लोबिन वेरिएंट, जिसके कारण यह ऊपरी क्षोभ मंडल में भी कम आंशिक दबाव के बावजूद ऑक्सीजन खींच पाता है। यह गिद्ध प्रजाति का जीव है जो सहेल रीजन, पूर्वी अफ्रीका के पहाड़ों, घास के मैदानों और वन प्रदेशों में पाया जाता है। इनकी लंबाई 85 से 103 सेंटीमीटर के बीच होती है और वजन 6 से 9 किलो के बीच होता है, और इनकी पंखों की लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है। यह एक मुर्दाखोर जीव है। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पे जो पक्षी आता है उसका नाम है कॉमन क्रेन। कॉमन क्रेन दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है जो 10,000 मीटर यानी 33,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इन्हें आमतौर पर यूरेशियन क्रेन भी कहा जाता है। ये एशिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। मध्यम आकार के इस पक्षी की लंबाई लगभग 100 से 300 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 3 से 6 केजी तक होता है। इनका पंखों का विस्तार 180 से 240 सेंटीमीटर तक होता है। कॉमन क्रेन लंबी दूरी तक तय करने वाले प्रवासी पक्षी हैं जो सर्दियों के मौसम में उत्तरी अफ्रीका में प्रवास करते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 2014 के अनुसार 6,00,000 के करीब है। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे जो पक्षी आता है उसका नाम है बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज एक प्रवासी पक्षी है जो 8,800 मीटर यानी 30,000 फीट तक की ऊंचाई पे उड़ान भर सकता है। ये पक्षी मूल रूप से मध्य एशिया में पाए जाते हैं जो हिमालय की चोटियों के अत्यंत निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए अनुकूलित है। यह पूरे मध्य एशिया के उच्च ऊंचाई वाले झीलों में पाया जाता है और सर्दियों के मौसम में यह दक्षिण की ओर पलायन कर जाता है। प्रवास के दौरान यह एक दिन में 1,000 मील की दूरी तय कर लेते हैं। इनकी लंबाई 71 से 76 सेंटीमीटर के बीच होती है और वजन लगभग 2 से 3 किलो के बीच होता है। यह बेहद ही सुखद मिजाज वाले पक्षी होते हैं। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पे जो पक्षी आता है उसका नाम है ऊपर स्वान। ऊपर स्वान बड़े आकार के प्रवासी पक्षी में शुमार है जो समुद्र तट से 8,000 मीटर यानी 29,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। आमतौर पर इसे कॉमन स्वान भी कहा जाता है। ऊपर स्वान बड़े आकार के उड़ने वाले पक्षियों में शुमार है। इनकी लंबाई 140 से 165 सेंटीमीटर तक होती है और पंखों का विस्तार 205 से 275 सेंटीमीटर तक होता है। इनका वजन 7 से 14 किलो तक होता है, जिनमें नर का वजन 9 से 11 किलो और मादाओं का वजन 8 से 9 किलो के बीच होता है। यह पक्षी जलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये बाढ़ वाले घास के मैदान, तुंद्रा के ठंडे इलाकों, झीलों और दक्षिण यूरेशिया के तालाबों में निवास करते हैं और सर्दियों के मौसम में ये डेनमार्क, जर्मनी और ब्रिटेन के प्रवास के लिए पलायन कर जाते हैं। हमारे लिस्ट के पांचवें नंबर पे जो पक्षी आता है उसका नाम है अल्पाइन चॉप। अल्पाइन चॉप
मध्य आकार के पक्षी होते हैं। ये पर्वतीय प्रदेश में निवास करते हैं जो दक्षिणी यूरोप और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में रहता है। ये अधिकतम 8000 मीटर यानी 26500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। इन्हें येलो बिल्ड चॉप भी कहा जाता है। इनके पंखों की लंबाई 75 से 85 सेंटीमीटर के बीच होती है। अल्पाइन चॉप दुनिया के सबसे ऊंचा घोंसला बनाने वाले पक्षी में से एक है। यह अपना घोंसला 20,000 से 21,000 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं। ये अपने अद्भुत उड़ान कौशल के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि सर्दियों के मौसम में भी ये बहुत ऊंची उड़ाइयाँ भर सकते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियाँ भी इनके लिए कोई खास मायने नहीं रखती।